अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पराठा। तो यहाँ पे हमने लिया है 300 ग्राम चिकन, इसे मैंने बॉईल किया। उसके बाद मैंने इसे मिक्सी जार में डालकर थोड़ा थोड़ा करके बस 2 से 3 सेकंड के लिए चला लिया, तो इस तरह से ऐसे हो गया। आप चाहें तो हाथों से भी इसके रेशे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में 2 से 3 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लिया है। इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। 30 सेकेंड के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून पानी डाल दूँ ताकि मसाला जले नहीं। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं इसे। नमक डाल देंगे। नमक मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1 पिंच फूड कलर। अच्छे से इसे मिक्स कर दिया हमने। अब इसके अंदर डाल देंगे चिकन। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर दिया है। इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 नींबू का रस, अगर छोटा है तो 1 डालें, बड़ा है तो आधा डाल दें। मिक्स कर देंगे। कटी हरी धनिया डाल देंगे थोड़ा, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। तो यहाँ पे ये हमारे पराठे की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर होने देंगे पहले। तो यहाँ पे पराठा बनाने के लिए मैंने पराठे का डो बना के तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैंने 2 कप गेहूँ का आटा और 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक डाला था, 2 टेबल स्पून तेल, और पानी से मैंने इसका आटा गूंथ लिया है। नॉर्मल आटा है, ना बहुत ज़्यादा लूज है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा बनाते हैं बस वैसे ही है। पराठा बनाने के लिए आटे का 1 पोर्शन लेंगे। इस तरह से इसके पेड़े बनाएंगे। पहले थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोटी बेली है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे चिकन की स्टफिंग जो हमने बना के रखी है, इसके सेंटर में रखेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे चीज़ क्यूब। तो यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल किया है। आप चीज़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या बगैर चीज़ का भी आप बना सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसके साइडों में थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए और फ्राई करते वक्त चीज़ मेल्ट होके बाहर नहीं निकले। अब इस तरह से उठा के इधर से और इधर से बस थोड़ा सा बेलन से बराबर कर देते हैं। इस तरह से तो ये हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। इस तरह जितने बनाने हैं हम बना लेते हैं, उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने पराठे को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को गरम किया है। ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बस मीडियम है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे, संभाल के डालें। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। जब एक तरफ का हो जाएगा ये, फिर हम इसे पलट देंगे। वाव, कितना अच्छा इस पे कलर आया है। अब इस तरफ भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पराठा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, बाकी दूसरा भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पराठे बना लिए हैं। मैं एक काट के भी बताती हूँ। कितना अच्छा दिख रहा है चीज़ चीज़, और खाने में तो ये बहुत ही लजीज होता है। तो आप भी एक बार इसे ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगा। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ।